हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बॉस, ऐसा है, आपको सबको पता है कि मैं रात आगरा पहुंच गया था, तो अब यहां से मैं अपनी राइड आगे कंटिन्यू करने लगा हूं। हमारे जो स्टॉप रहेंगे आगरा, आगरा के बाद बस्ती, कोशिश करेंगे आज हम के सनौली पहुँच जाएँ। अगर सनौली पहुँच जाएंगे फिर तो कोई इशू नहीं है, नाइट स्टे सनौली में करके कल सुबह अपना जो बंसार बना के या जो भी प्रोसेसिंग करके सारी, तो हम आगे निकल जाएंगे। तो पहले तो कोशिश करते हैं कि आज जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग अपना राइड शुरू करें। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, वैसे तो मुझे 7 बजे निकलना था लेकिन यार सुस्ती पड़ गई, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, वो भी ज़रूरी होती है कभी कभी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और सबसे पहले मैंने जो टच करना है वो करना है ताज एक्सप्रेसवे को, मतलब जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है, जिसकी लंबाई कुल है करीबन 350 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। वहाँ से हम लोग आगे पहुँचेंगे बस्ती, बस्ती से आगे हम लोग सनौली बॉर्डर पे जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं रास्ता कैसा रहता है और कैसा हमारा ये सफ़र रहता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आगे हम लोग अपना हाईवे पे, अभी तो मैं आगरा के अंदर ही हूँ, बस अपने यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें ताज एक्सप्रेसवे नज़र आएगा जो कि हमें सीधा लखनऊ की तरफ लेके जाएगा। लखनऊ यहाँ से है 333 किलोमीटर। तो वहाँ से आगे मुझे पहुँचना है बस्ती, बस्ती से आगे कोशिश मैं करूँगा कि अगर मैं टाइम से पहुँच गया तो मैं कोशिश करूँगा सनौली बॉर्डर पे पहुँचने की, और नाइट स्टे हम लोग सनौली बॉर्डर पे ही करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ से निकले, तो अभी जो वेदर है, वेदर तो एकदम अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। अभी मैंने होटल में कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं रास्ते में कोई जगह मिलेगी तो वहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। सुनने में तो आया कि अभी ताज एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी अच्छे जॉइंट्स खुल गए हैं, रेस्ट एरियाज बन गए हैं, क्योंकि जब मैं लास्ट आया था तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, नो कोई पेट्रोल पम्प नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आपको फ्यूल लेने के लिए भी हाईवे को छोड़ के, एक्सप्रेसवे को छोड़ के, तो नीचे किसी गाँव में जाना पड़ता था। तो अब तो फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा गुजरता है, होप सो अच्छा गुजरे। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अभी आगे एक्सप्रेसवे पे पहुँच के। वेलकम टू लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। हम लोग आ चुके हैं अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। अब ये हमें यहाँ से लखनऊ लेके जाएगा, जिसका के डिस्टेंस अभी पीछे मैंने देखा था तो वो है 320 किलोमीटर। ये हमारे देश में बनने वाले कुछ पहले एक्सप्रेसवे में है, मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर पे आता है ये। बहुत बहुत मज़ेदार एक्सप्रेसवे है, पर वही है कि खाली रोड है तो थोड़ा सा बोरिंग भी है, पर चलो देखते हैं देखते हैं। हम लोग इस खूबसूरत हाईवे पे अभी चलते जा रहे हैं, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है यार बहुत बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए और कुछ शॉट लिए जाए। तो चलिए अभी ड्रोन स्टार्ट करते हैं और आप ड्रोन शॉट देखिए। चलो चैनल देखो, आप भी चैनल में नजर आओगे, अभी लाइव आ रहा है, लाइव तो नहीं आएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा। सब्सक्राइब करो, आपको नजर आ जाएगा। राइड ऑन विद जगजीत, ये लिखा ना, ये लिखा हुआ है, ये देखो। सब लोग कैमरे में हाई कर दो, इधर इधर इधर, अभी ये चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो जब नीचे आएगा तब वो भी चलेगा। वो देखो अब आ गया, उसको हाई करो हाँ जी दोस्तों, कैसा लगे ड्रोन शॉट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तो बहुत बहुत प्यारा मौसम है यार, मज़ा आ गया,
तो अभी आप आगे देखते चलो, अभी आगे मैं आपको और डोर शोर में दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत प्यारी जगह थी, और अभी आपने वीडियो में देखा तो कुछ भाई मेरे पास आके रोक रहे थे क्यूरियोसिटी की वजह से कि भाई आप वीडियो बनाते हो। मैंने बता हाँ, तो अच्छा चैनल वगैरह सब्सक्राइब कराया। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे यार, अभी तो क्या है वो 100 से नीचे अटके हुए हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा खुद तो जुड़ते जाएंगे। चलो पहले ये टोल आ गया, यहाँ पे हम लोग पहले टोल पे कर लें, क्योंकि ये रोड भी बाइक के लिए टोल फ्री नहीं है, टोल यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा। हाँ इधर से चल जाते यार, कब क्या हो गया, पैसे ही देने, यहाँ दे देंगे। हाँ जी कितना लखनऊ? हाँ है कितना? हैं 125, 325 काट लीजिए। करते ही मुझे ये जॉइंट दिखाया, यार प्यास लग रही है, पानी पीते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या अपने को मिल सकता है। हम लोग अभी टोल को हमने क्रॉस कर लिया है। टोल क्रॉस करने के बाद अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे फूड जॉइंट नज़र आया, तो सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ अभी देखता हूँ। यहाँ पे बहुत टेस्टी एक मुझे नज़र आ रहा है कि कचौरी मिल रही है, तो कचौरी खाते हैं, आज का ब्रेकफास्ट यही करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना बैठेंगे अपनी बाइक पे और निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। तो जी दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके आगे, अब कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारी बाइक को भूख लगेगी तो उस टाइम अपने को तो रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ लखनऊ से पहले कोई स्टॉप मारने का मेरा मूड है नहीं अपने लिए। बाइक के लिए मुझे 250 किलोमीटर पे मुझे एक बार रुकना पड़ेगा फ्यूल अप करने के लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो लखनऊ का होगा। तो चलिए लखनऊ पहुँच के फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अगर रास्ते में कुछ अपने को अलग से दिखा या कुछ जगह हुई कि जहाँ पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, जो आपको दिखाना चाहिए, तो वहाँ पे दोबारा से मिलेंगे। इस रोड पे शटलिंग करने का भी मज़ा आ रहा है यार, दोनों काम हो रहे हैं, टांग को बेरा मारा और बम्स को बेरा मारा। पता ही है आपको KTM की सीट हार्ड होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है। दोस्तों आपके सामने हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ, तो अब यहां से मैंने अपनी जो अगली डेस्टिनेशन है रूट जो पड़ेगा अयोध्या, तो अयोध्या मैंने मैप में डाल दिया है, और मुझे यहाँ से अभी जो मेरा डेस्टिनेशन है बस्ती मुझे यहाँ पे शो कर रहा है 4 घंटा, तो अभी 1 बजा है, 5 बजे तक अगर मैं बस्ती पहुँच गया
तो फिर मेरी कोशिश ये रहेगी कि 5 बजे के आगे मुझे 1-1.5 घंटा और लगेगा सरौली के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं सरौली बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर कर जाऊँ। रोड कंडीशन अभी थोड़ा सा अभी तो मुझे ख़राब ही यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे अभी जो मैप है वो आउटर से नहीं लेके जा रहा है, लखनऊ के अंदर से नहीं होकर लेके जा रहा, बाहर से लेके जा रहा है। ये रोड मुझे कोई इतना खास बढ़िया लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा है और 2 लेन रोड है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ इसमें लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। बाकी देखते हैं आगे पहुँच के एक बार रोड थोड़ा सही आ जाए, अगर अपनी स्पीड कोई बढ़िया सी बन सकी तो फिर मुझे लगता है हम लोग 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएंगे सरौली बॉर्डर पे। और अगर 5-6 बजे तक हम सरौली बॉर्डर पे पहुंच भी जाते हैं तो कोशिश करके आज की डेट में मंसार बना के नेपाल में एंट्री करके नेपाल में नाइट स्टे करेंगे सिद्धार्थ नगर में। क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे सरौली में कहीं पर भी कोई अच्छी स्टे नज़र नहीं आई, तो इसलिए मुझे अभी जाके सिद्धार्थ नगर में ही रुकना पड़ेगा। और सिद्धार्थ नगर रुकने के बाद कल मॉर्निंग में मैं अपनी राइड स्टार्ट करूँगा पोखरा के लिए, जो कि भूटवल होते हुए मुझे जाना है, क्योंकि जो चितवन वाला रास्ता है वो मुझे पता लगा है, मुझे जो अपडेट मिला है वो ये मिला कि वो सारा रोड ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कैसे होता है अपना रूट कैसे बनता है, तो मैं जैसे भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। तो हम लोग अभी लखनऊ सिटी में हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर भी कहा जाता है, जो पुरानी तहजीब थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले होता था कि पहले आप जो नवाबों के टाइम में चलता था, आज की डेट में हालत ये है, हर बंदा बोलता है कि पहले मैं। तो इस वजह से मतलब लोग एक दूसरे के बीच में ना एकदम बजने को होते ही है। देखो अब ये जो मेरे सामने गाड़ी चल रही है, इन भाई साहब को यह कि पहले मैं, अब उसमें पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा इनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैंने सोचा चलते चलते थोड़ा सा आपको लखनऊ शहर भी दिखा दिया जाए, वैसे मैं ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लॉजिक बनता नहीं है, पर फिर भी ये देखो मॉन्यूमेंट जो बने हुए हैं। की मेहनत के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं लखनऊ से बाहर, तो यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है बस्ती, वो करीबन 3 घंटे का सफ़र है बस। अगर रोड कंडीशन खाली मिले सही मिले तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज नेपाल बॉर्डर तक क्रॉस कर जाए। बट मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है यार कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा ना एक मैंने जब ये राइड स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सनसेट होगा मैं भी सेट हो जाऊंगा, मैं नाइट राइडिंग किसी कीमत पे नहीं करूंगा, क्योंकि नाइट राइडिंग जो है ना हमेशा रिस्की होती है, ख़ास तौर पे इन रोड्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आवारा जानवर इतने ज़्यादा है ना मैं बता नहीं सकता आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है कि नाइट राइड में करूँ। नाइट राइड में बिल्कुल नहीं करूँगा, तो अभी ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है अगर बस्ती टाइम से पहुँच जाते हैं तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आगे सरौली जाने का। अगर मुझे लगा ज़रा सा भी 1% भी डाउट हुआ कि हाँ नहीं आज हम नहीं करना चाहते तो मैं रुक जाऊँगा रास्ते में। अपने को कौन सा यार भैया जहाँ बहुत जल्दी है कि हाँ मैं पहुँचना, जो इवेंट के लिए मैं जा रहा हूँ उसकी डेट है 17-18-19। अभी आज 15 तारीख हुई है, 15 तारीख है तो मतलब बीच में अपने पास एक 2 दिन है, ठीक है ना। तो अगर मैं कल सुबह भी आराम से निकलता हूँ और कल शाम को अगर मैं पोखरा पहुँच जाता हूँ तो परसों मैं इवेंट के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तो अपने को जल्दी करने की ज़रूरत क्या है जब अपने पास टाइम है। तो ऊपर से मुझे टेंशन जो सबसे बड़ी हो रही है, जो रोड ख़राब आ रही है उसकी वजह से जगह जगह पे बम आ रहे हैं, तो बम होने की वजह से मेरे जो पाइनियर है ना वो नॉक कर रहे हैं टायर के साथ,
यही कुछ हुआ था पिछले बार भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बाइक की चैसी क्रैक हो गई थी, तो मैं वो दोबारा रिस्क वैसा नहीं लेना चाहता अभी आराम से, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और जब रोड पे सडनली बम आ जाए तो अगर आप 30 की स्पीड में हो तो भी वो लगते हैं, तो भी चल रहे हैं, देखते हैं। अभी मैं देखता हूँ और मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ, बस्ती ही पहुँचेंगे या उससे आगे हम कर सकेंगे। अगर टाइमली पहुँच गए तो मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगा कि आज मैं बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँ नेपाल का। तो फिर भी चलिए ठीक है, आगे चल के मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या, राजा राम की नगरी। तो इतना हमारे पास अभी टाइम तो नहीं है कि हम लोग अंदर जाके दर्शन कर सकें सिटी में। तो इसके बाद हमारा जो स्टॉप है आज का, जो मेरा टारगेट है वो है बस्ती। तो बस्ती हम लोग पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर अराउंड 100 किलोमीटर है सनौली, जो कि हम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे और कल हम नेपाल ट्रिप करते हैं। कल शाम का जो प्रोग्राम होगा वो फिर आगे देखा जाएगा। अभी तो ये रोड बहुत बहुत गंदा है यार, सही में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा गंदा रोड है। ठीक है, मतलब पौधों तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जगह जगह पे जो पैचवर्क किया हुआ है ना, उसने पूरा शरीर हिला के रख दिया हुआ है भाई। बहुत कम ऐसी रोड जो आई है जहाँ पे स्मूथ रोड बनी हुई है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से अभी हम लोग क्रॉस करेंगे सरयू नदी थोड़ी देर बाद जो कि आएगी। अभी तो बस ये ट्रैफिक से जदोजहद चल रही है, ट्रैफिक से लड़ाई हो रही है। एक बार ये ट्रैफिक से निकल जाए उसके बाद फिर सरयू नदी पहुँच के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये है वो पावन सरयू नदी जिसको पार करके भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे। देखो